बच्चों आज हम शुरू करते हैं रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड्स। काफी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि सर प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे डिसाइड करें कौन सा ग्रुप कहाँ पे काम करेगा और कहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इधर देखिएगा, यहाँ पर तीन हाइड्राइड लिखे हुए हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा लिखा हुआ है NaBH₄, तीसरा लिखा है B2H6 डाइबोरेन। तो ये तीनों जो रिएजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं और ये हमको कई बार कंफ्यूज भी कर देते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन कहां पर काम करेगा। तो आइए इसी पर हम लोग फोकस करते हैं, इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो पहले हम लिए हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जानते हैं क्या होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिएजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स एंड हाइड्राइड्स, इपोक्साइड्स, नाइट्राइल्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। तो आप देख पा रहे हैं कि काफी वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है और ये कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड एंड हाइड्राइड, इपोक्साइड, नाइट्राइल और नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस इजिली करता ही करता है। NaBH₄ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो आप देख पा रहे हैं इट इज वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हर एक फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है एंड रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, केवल एल्डिहाइड और कीटोन को कोरस्पोंडिंग एल्कोहल में बदल देता है। लेकिन कुछ ग्रुप आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि जहां पर ये इफेक्टिव नहीं होता, मतलब उनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं हेलो एटम, साइनो ये नाइट्राइल जो आप बोलना चाहें, एमाइड, एस्टर, दे डू नॉट रिड्यूस बाय NaBH₄, इनको ये रिड्यूस नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे की, B2H6 डाइबोरेन, इट इज वीकर एंड सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस कार्बोनिल इपोक्साइड्स, साइनाइड्स, एल्कीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एमाइड्स। तो आपको याद रखना है कि ये जो है वीक होता है और ये भी सिलेक्टिव है, एक तो वीक हो गया ऊपर सिलेक्टिव है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि वो कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको ये रिड्यूस करता है। तो हम देख पा रहे हैं कार्बोनिल इपोक्साइड, साइनाइड, एल्कीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड पर ही ये रिएक्शन करेगा, उन्हीं को रिड्यूस करेगा, अदरवाइज किसी और फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेगा। आइए एक टेबल फॉर्म में इसको कंसाइज स्टडी करते हैं और वो आपको हमेशा के लिए याद रखना है ताकि कोई भी कन्वर्जन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का हो, इजीली स्मूथली हमेशा सही हो। टेबल फॉर्म में देखते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कहां पर एक्टिव होगा और कहां पर एक्टिव नहीं होगा, और ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप है ये आपका एस्टर है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एसिड क्लोराइड, इपोक्साइड, नाइट्रो, एलिफेटिक नाइट्रो डेरिवेटिव, एरोमेटिक नाइट्रो डेरिवेटिव और एलिफेटिक ब्रोमाइड। देखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को फंक्शनल, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को LAH ही रिड्यूस कर पा रहा है, जिससे कोरस्पोंडिंग CH2OH और यहां पर डाइबोरेन CH2OH बना रहा है। NaBH₄ इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिएगा, यहां पे एस्टर लिया हुआ है, तो एस्टर को केवल LAH ही रिड्यूस कर पा रहा है, बाकी NaBH₄ और B2H6 इसको रिड्यूस नहीं कर रहा है। जहां पे आप क्लोज देख रहे हैं मतलब वहां पे वो एजेंट उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कीटोनिक लिया हुआ है, तो कीटोनिक को तीनों ही LAH भी, NaBH₄ भी और B2H6 तीनों ही इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर देखिए एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इसको भी तीनों रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कर पा रहे हैं, LAH, NaBH₄ और B2H6 इसको अल्कोहल में, CHO भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपका एसिड क्लोराइड है तो वो भी, आप देखिए केवल एक ही रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा है जो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है और वो है LAH, बाकी कोई दोनों में से उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। इपोक्साइड की बात करें तो इपोक्साइड को आप देखिए ध्यान से, तीनों रिड्यूसिंग एजेंट उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, रिड्यूस कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं एलिफेटिक नाइट्रो, देखिए आप ये एलिफेटिक नाइट्रो डेरिवेटिव है, नाइट्रो कंपाउंड है, तो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड एमीन, एलिफेटिक एमीन में रिड्यूस हो चुका है बाय LAH, लेकिन NaBH₄ और B2H6 RNO2 को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हमने एरोमेटिक नाइट्रो डेरिवेटिव लिया हुआ है, नाइट्रो बेंजीन ले सकते हैं। नाइट्रो बेंजीन को केवल LAH ही रिड्यूस कर पाता है और इसको ये डाइएसो बेंजीन में कन्वर्ट करता है। देखिए ध्यान से देखिए, नाइट्रो को डाइएसो डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर रहा है, एनिलीन में या एरोमेटिक एमीन में कन्वर्ट नहीं कर रहा है और बाकी दो रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं एलिफेटिक ब्रोमाइड की या एलिफेटिक हैलाइड की। यहाँ पर कोई भी हैलाइड हो सकता है, BR, CLI। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एलिफेटिक ब्रोमाइड को केवल LAH ही रिड्यूस करता है और कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, लेकिन NaBH₄ और B2H6 ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये टेबल आपको याद करनी है। सेकेंडरी ब्रोमाइड लिया है, सेकेंडरी हैलाइड, यहाँ पे कोई भी हैलोजन दूसरा ले सकते हैं। तो सेकेंडरी हैलाइड जो है वो CH₂ में रिड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग LAH। LAH ही इसको रिड्यूस कर पा रहा है, बाकी दोनों रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कीटो ऑक्साइम लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सी डबल बॉन्ड NOH लिया हुआ है, इसको रिड्यूस किया तो ये आपका बन गया प्राइमरी एमीन। तो उसको LAH ही और NaBH₄ रिड्यूस कर पाते हैं, B2H6 रिड्यूस नहीं कर पाता है। CONHR आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एमाइड है, सेकेंडरी एमाइड। एमाइड को ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसको रिड्यूस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल को तीनों रिड्यूसिंग एजेंट कोरस्पॉन्डिंग एमीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सर LAH है, रिड्यूस कर देता हूँ, LAH इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है और ना ही NaBH₄ करता है। लेकिन हाँ, B2H6 आप जानते हैं, इसको एक रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। B2H6 THF और H2O2 एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, आप जानते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में आप पढ़े हैं। तो वहां पर क्या होता है, एल्कीन जो होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड इट इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मेंशन क्या हुआ, बाय ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन को केवल B2H6 ही है जो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, LAH NaBH₄ इस पर रिएक्शन नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आइए कुछ प्रैक्टिस कराता हूं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसके साथ में आपको दो रिड्यूसिंग एजेंट दिए हैं, NaBH₄ और LAH, और पूछ रहा है कि भाई बताओ NaBH₄ से क्या बनेगा और LAH से क्या बनेगा आफ्टर द रिएक्शन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, B2H6 से रिएक्ट करा रहे हैं, क्या बनेगा, पॉज कीजिए, सोचिए, पेंसिल उठाइए, कागज उठाइए, बनाइए, चेक करते हैं। H4 जो होता है वो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एसिल क्लोराइड और साइक्लिक एस्टर, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं दिस इज साइक्लिक एस्टर, ये साइक्लिक एस्टर और एसिल क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करता है, केवल कीटोन या एल्डिहाइड को करता है। तो उसने कीटो को OH में कन्वर्ट किया, बाकी यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। बात करते हैं LAH की, तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये साइक्लिक एस्टर, कीटो और एसिड क्लोराइड तीनों पे रिएक्शन करेगा और तीनों पे देखिए इनको तीनों को रिड्यूस कर दिया है। अब देखते हैं ये वाला रिएक्शन, तो यहाँ पे एस्टर लिंकेज था और कार्बोक्सिलिक था, B2H6 वीकर और सिलेक्टिव होता है, ये केवल कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कर सकता है और एस्टर को नहीं कर सकता है, बिकॉज एस्टर इज लेस रिएक्टिव एंड B2H6 इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। तो केवल ये कार्बोक्सिलिक को ही रिड्यूस करेगा, एस्टर को नहीं। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छा करते हैं।